आज की कहानी एक वृद्ध स्त्री की सेवा भाव जिसने अपनी सेवा से लड्डू गोपाल के पैर सीधे कर दिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखे और शुरू करते हैं कहानी। एक नगर में दो वृद्ध स्त्रियां बिल्कुल पास पास रहा करती थी। उन दोनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी। उन दोनों का ही संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का सदा साथ देती और अपने सुख दुख आपस में बांट लेती थी। एक स्त्री हिंदू थी तथा दूसरी जैन धर्म को मानने वाली थी। हिंदू वृद्धा ने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करा करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराना, धुले वस्त्र पहनाना, दूध व फल आदि भोग अर्पित करना उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का भी विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम का ध्यान उसको रहता था। वह जब भी कभी बाहर जाती लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई खाने की वस्तु, नए वस्त्र, खिलौने आदि अवश्य लाती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा का भाव था। उधर जैन वृद्धा भी अपनी जैन परंपरा के अनुसार भगवान के प्रति सेवा भाव में लगी रहती थी। उन दोनों स्त्रियों के मध्य परस्पर बहुत प्रेम भाव था। दोनों ही एक दूसरे के भक्ति भाव और धर्म के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखती थी। जब किसी को कोई समस्या होती तो दूसरी उसका साथ देती। दोनों ही वृद्धाएं स्वभाव से भी बहुत सरल और सज्जन थी। भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनका जो भी समय शेष होता था वह दोनों एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करती थी। एक बार हिंदू वृद्धा को एक माह के लिए तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। उसने दूसरी स्त्री से भी साथ चलने का आग्रह किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण अधिक न चल पाने के कारण उस स्त्री ने अपनी विवशता प्रकट कर दी। हिंदू वृद्धा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी जाऊंगी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। फिर वह बोली, मैं तो एक माह के लिए चली जाऊंगी, तब तक मेरे पीछे मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष ही उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। हिंदू वृद्धा ने उस जैन वृद्धा को लड्डू गोपाल की सेवा के सभी जरूरी नियम व आवश्यकताएं बता दी। उस जैन वृद्धा ने सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद वह हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा का कार्य जैन वृद्धा ने अपने हाथ में लिया। वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात्रि में उनके शयन तक के सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसे ही पूर्ण किए जैसे उसको बताए गए थे। लड्डू गोपाल के शयन का प्रबंध करके वह भी अपने घर शयन के लिए चली गई। अगले दिन प्रातः जब वह वृद्धा लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हिंदू स्त्री के घर पहुंची तो उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की। नियम के अनुरूप जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे, जब भी उनको देखा वस्त्रों में ही देखा था। वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं ही ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए। लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वह सोचने लगी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को यह क्या हो गया, इसके तो पैर मुड़ गए हैं। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं।
उसने मन में विचार किया कि मैं इनके पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाएं। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबी उस भोली भाली वृद्धा ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश आरंभ कर दी। उसके बाद वह नियम से प्रतिदिन 5 बार उनके पैरों की मालिश करने लगी। उस भोली वृद्धा की भक्ति और प्रेम देखकर ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान अपनी करुणावश अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया। एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं और वह सीधे खड़े हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन पश्चात दूसरी स्त्री वापस लौटी तो उसने घर आकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, किंतु जैसे ही वह लड्डू गोपाल के सम्मुख पहुंची तो देखा कि वह तो अपने पैरों पर सीधे खड़े हैं। ये देखकर वह अचंभित रह गई। वह तुरंत उस दूसरी स्त्री के पास गई और उसको सारी बात बताए और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। ये सुनकर उस जैन स्त्री ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वह वृद्ध स्त्री सन रह गई और उसको लेकर अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा तो लड्डू गोपाल मुस्करा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। फिर उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझको नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे की ओर, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने तो लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वह दोनों स्त्रियां जब तक जीवित रही तब तक लड्डू गोपाल की नियमित सेवा करती रही। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय दे ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की।